Today we are going to start the topic Principle of Mathematical Induction. Principle of Mathematical Induction पे हम जो भी statement हमें पहले से given हो उसको हम ये प्रूव करके ये सिद्ध करते हैं कि वो statement true है या false है. Statement यहाँ पे हम use कर रहे हैं. Statement generally कोई भी relationship जो हमने maths में देखा है वो हम यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमें दिया है n स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन एंड n माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने यूज़ किया हुआ है. इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जब रीड करेंगे तो इसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट. अब इस स्टेटमेंट को देख के इसको हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूफ करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ये ट्रू है, ये हमें पता है क्योंकि ये ट्रू है, इसीलिए हम इसको मैथ्स में यूज़ करते हैं. पर वो ट्रू कैसे है उसका हमें प्रूफ देना है. तो उसको प्रूफ करने के लिए दो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. एक तो हम उसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, पर मैथमेटिकली अगर हम इसको प्रूफ करें तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड होगा. तो इसको हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. और उसके लिए हम क्या करते हैं, n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते जाते हैं. और जब हम n के डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो ये देखते हैं कि LHS और RHS की वैल्यूज हमें इक्वल मिलती है कि नहीं. तो सबसे पहले जब हम लेते हैं n की वैल्यू 1, तो जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, और इसको सॉल्व करने से हमें मिल रहा है 0. अब यही वैल्यू हम पुट करते हैं RHS पे, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 एंड 1 माइनस 1. जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है 0. तो देखिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए LHS एंड RHS की वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है. तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो रिलेशनशिप गिवन है या स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, ट्रू है. पर एक ही वैल्यू से हम ये नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो सेकंड हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं, और इस बार हम लेते हैं 1 से स्मॉल वैल्यू. तो सपोज हम n की वैल्यू ले लेते हैं 1/2, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे वो वैल्यू तो ये मिल जाएगा हमें 1/2 स्क्वायर माइनस 1 LHS को देखें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप भी करके देखिए, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 3/4, ठीक है. और जब हम RHS को देखते हैं और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें एक वैल्यू देगा 3/2, और जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा माइनस 1/2. और इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा माइनस 3/4. तो यहाँ से देखिए, n इज इक्वल टू 1/2 के लिए भी हमें LHS एंड RHS की वैल्यू इक्वल मिल रही है. ऐसे ही अगर हम दूसरे रिलेशन देखें, यहाँ पे हमने n स्क्वायर माइनस 1 का रिलेशन देखा था, अगर हम n क्यूब माइनस 1 का रिलेशन देखें, n की पावर 4 माइनस 1 का रिलेशन देखें, तो उसके लिए भी जो जनरलाइज्ड इक्वेशन हमें पता है उन पे हम अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के देखें तो भी हमें LHS एंड RHS की वैल्यू हमेशा इक्वल मिलेगी. तो इस मेथड को जो हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके प्रूव करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है या गिवन रिलेशनशिप है वो ट्रू है या फॉल्स है, उस मेथड को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं, वन सच अ टूल इन मैथमेटिक्स विच कैन बी यूज टू प्रूव वाइड वेराइटी ऑफ स्टेटमेंट्स. मैथमेटिक्स में एक ऐसा टूल जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स को या डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यूज करते हैं, उस टूल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे हम ऐसे ही जो हमें जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दिया हो, जैसे यहाँ पे n वेरिएबल था, तो ऐसे ही जो भी वेरिएबल दिया हो उसकी प्लेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लेंगे या डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं.
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तीन स्टेप यूज करते हैं, और वो कौन कौन से स्टेप हैं देखिए। फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन स्टेप। वेरिफिकेशन स्टेप में जनरली हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम लेते हैं n की वैल्यू 1 और उसके लिए ये ट्रू है कि नहीं। सेकेंड स्टेप होता है assumption स्टेप। assumption स्टेप में हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि दूसरे, अगर हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल गिवन है उसके प्लेस पे अगर हम दूसरा वेरिएबल रख दें तो भी वो स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। फिर इसका थर्ड स्टेप होता है इंडक्शन स्टेप। या हम इसी को ही बोलते हैं कंक्लूजन स्टेप। इस स्टेप में हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल लेंगे उसके एक स्टेप बाद का फंक्शन लेते हैं और ये बताते हैं कि अगर हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लें और उसके बाद का एक वेरिएबल ले लें तो दोनों कंडीशंस पे हमें जो भी इक्वेशन दिया हो वो हमें ट्रू वैल्यू देगा। तो ये तीन स्टेप हो गए। इस थर्ड स्टेप को कंक्लूजन स्टेप भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से थर्ड स्टेप से ही हमें ये पता चलता है कि इंडक्शन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वहाँ से ही हमें रिजल्ट मिलता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन स्टेप। अब यहाँ पे जो हम तीन स्टेप यूज कर रहे हैं, वेरिफिकेशन स्टेप, assumption step and induction step, इस पे हम डिटेल में देखते हैं कि इनमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें कैसा फॉर्म में मिलेंगे। ओके, वेरिफिकेशन स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर भी कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू उसमें लेके देखते हैं कि उस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन ट्रू वैल्यू है कि नहीं है। तो हम क्या लेंगे इसमें, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लेंगे तो जनरली हमें इक्वेशंस किस फॉर्म में दिए होते हैं, एन के फॉर्म में दिए होते हैं। तो हम इस स्टेप में क्या करते हैं, एन की वैल्यू लेते हैं 1 और 1 के लिए ये प्रूफ करते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जो क्या है, assumption स्टेप। assumption स्टेप में क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है n वैल्यू के लिए वो क्या है, n इज इक्वल टू, अगर हम k ले लें जहाँ पे k क्या हो, लेस देन n हो, तो वो k के लिए भी कैसा है, ट्रू है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, वी एज्यूम दैट स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर k इज लेस देन n। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी स्टेटमेंट है वो कैसा है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब थर्ड स्टेप है हमारा इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में हम क्या करते हैं, एक और वैल्यू लेते हैं k प्लस 1 और ये प्रूफ करते हैं कि k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो ये कैसा होगा, k के लिए भी ट्रू होगा और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो करेगा, और साथ ही हम कहें कि जो भी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, वी हैव टू वेरीफाई दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर k, n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो। थर्ड स्टेप में हम ये वेरीफाई करते हैं कि रिजल्ट के n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, और यहाँ पे जाके हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है। तो ऐसे स्टेप को और क्या बोलते हैं, कंक्लूजन स्टेप भी बोलते हैं। तो ये तीन स्टेप में हम जो भी हमें फंक्शन दिया होगा n का या जो भी फॉर्मूला दिया होगा उसको हम प्रूफ करेंगे कि वो ट्रू है कि नहीं है। अगर वो ट्रू है तो हम बोलेंगे कि जो भी फॉर्मूला डिराइव किया गया है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है
वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो कर रहा है, और अगर हमें ये तीन कंडीशन में से एक भी नहीं मिलती तो हम क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। जैसे कि हमें एक देता है 1 + 2 + 3, यहाँ पे 1 + 2 + 3 में कितने स्टेप हैं? तीन स्टेप हैं, जिसका फर्स्ट फंक्शन क्या है 1, सेकेंड है 2 एंड थर्ड है 3। अगर हम इसको n तक लेके जाएं तो हमें क्या मिलेगा, +4 n। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर हम इसके सारे पद सारे स्टेप्स का सम निकालें तो हमें क्या मिलता है, n n+1/2, जहाँ पे n क्या डिनोट करता है कि उसमें टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि तीन स्टेप हैं, वैसे ही टोटल यहाँ तक जितने भी स्टेप होंगे उसकी वैल्यू शो करता है n। तो अब हमें इसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ करना है। तो इसमें यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, 1। तो उसके लिए हम प्रूव करते हैं कि अगर हम n = 1 लेंगे तो जब हम सॉल्व करेंगे RHS को तो हमें इसके फर्स्ट स्टेप की वैल्यू मिलेगी। मतलब जब हम n = 1 लेके सॉल्व करें यहाँ पे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। हर केस में 1 नहीं मिलेगा, हर केस में हम क्या देखेंगे कि इसका जो पहला पद है, जो भी यहाँ पे फर्स्ट नंबर होगा, वही वैल्यू हमें RHS को सॉल्व करने से मिलनी चाहिए फॉर n = 1। अगर n = 1 पे वो वैल्यू नहीं मिलती तो हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप ही गलत हो गया, और अगर फर्स्ट स्टेप रॉन्ग है तो हमें बाकी स्टेप चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट स्टेप, एंड फर्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन स्टेप। वेरिफिकेशन स्टेप में हम क्या करते हैं, n की वैल्यू लेते हैं 1। तो यहाँ पे जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें मिलेगा n × 1 × 1+1/2। 1 + 1 = 2 एंड 2/2 = 1। यहाँ से देखिए यहाँ पे हमें 1 मिला था, और यहाँ पे भी जब हम n = 1 के लिए सॉल्व किए तो हमें 1 मिल रहा है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप, दैट इज वेरिफिकेशन स्टेप, इस फंक्शन के लिए क्या है, ट्रू है। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है इसका, एजम्पशन स्टेप। एजम्पशन स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमें फंक्शन दिया है वो कैसा है, n = k के लिए ट्रू है। हम इसको ट्रू मान के चलते हैं पहले से। तो हम लिखते हैं वो फंक्शन जो हमें गिवन है और वो k के लिए कैसा है, ट्रू है। तो हमें n की वैल्यू क्या पुट कर दी, k, तो ये हमें मिल जाएगा k + 1/2। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसका थर्ड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप इज कंक्लूजन स्टेप, या उसी को और हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें ये वेरीफाई करना है, ये फाइंड करना है कि ये k+1 के लिए ट्रू है। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पद लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हमें गिवन फंक्शन मिल गया। अब अगर हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, k के बाद का फंक्शन, और k के बाद का फंक्शन जस्ट बाद का हमें क्या मिल जाएगा, k+1। हमें हर केस में k+1 नहीं लेना है, इधर जैसा भी फंक्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शन लेना है। यहाँ पे देखिए 1 1 के बाद 2, मतलब हमें 1 के बाद क्या मिल रहा है, 1+1। इसके बाद थर्ड में क्या मिल रहा है, 2+1, मतलब जो भी है पिछला पद उस पर हमें 1 1 ऐड करते जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे जब k था तो उसका नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, k+1। जैसा अकॉर्डिंग होगा उसके बाद जैसा हम लेंगे, यहाँ से लेके 1 + 2 + 3 k, यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं k × k+1/2। तो ये हमें मिल गया k × k+1/2, और यहाँ पे ये हमें एक्स्ट्रा फंक्शन मिल रहा है, तो ये मिल गया k+1। अब हमें इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि ये k+1 के लिए ट्रू है।
यहाँ से देखिए k प्लस वन कैसा हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ पे बच जाएगा k और यहाँ पे क्या बच गया, वन k के नीचे डिवाइडेड बाय टू। जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, k प्लस वन और यहाँ पे हमें मिल जाएगा k प्लस टू डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं k प्लस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं k प्लस वन प्लस वन। यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो यहाँ पे k था, k की प्लेस पे हमें क्या मिला k प्लस वन, यहाँ पे k प्लस वन था तो इधर k की जगह पे हमें मिल गया k प्लस वन और ये वाला प्लस वन हमें यहाँ पे मिल गया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा गिवन फंक्शन था वो k प्लस वन के लिए क्या दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है। जहाँ पे m था वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, k प्लस वन मिल रहा है। मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो n के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है।